नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ सवाल पूछते हो तो बिल्कुल मैं उसका उत्तर देता हूँ, और अगर उस कमेंट के ऊपर अगर कुछ वीडियो बन सकता है तो जरूर मैं उसको नोट डाउन कर लेता हूँ, जिस वजह से मैं आगे उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। क्योंकि आप लोग जो मेरे प्यारे दर्शक हैं, मुझे पता है आप लोग वीडियो भी देखते हैं, नीचे कमेंट्स भी पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं कमेंट्स का बहुत अच्छी तरीके से रिप्लाई देता हूँ, जिसमें क्या है किसी एक का सवाल अगर मैं उत्तर देता हूँ तो 10 जनों का कोई एक ही तरह का कुछ सवाल रहता है, उसको भी उसका आंसर मिल जाए। तो वैसे ही क्या हुआ कि बाबा विशुद्धानंद जी का कोई भक्त सवाल किए थे कि बाबा विशुद्धानंद जी का अब तारापीठ का जो बामा खापा है उसके साथ अगर कोई संपर्क है तो क्या। तो बहुत सारी बातें हैं, तो मुझे लगा नहीं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना देते हैं। तो जितना मैं सुना अपने गुरु के मुख से, जितना मैं रहा उनके साथ, जितना मैं सुना उतना ही कहूंगा। मेरे मेरे उस पर कुछ मिक्सिंग नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, जितना गुरु के मुख से सुना उतना ही मैं कहूंगा। एक घटना, पहला घटना क्या, दो दो तीन वाक्य है बस कहना चाहूंगा। एक वाक्य क्या था कि आप जानते हो जो मंत्र जाप का जो पद्धति होता है, अगर आप माला से मंत्र जाप करते हो, तो मैं पहले भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, मेरा जो गाइडेंस फॉर डिसिपल्स प्लेलिस्ट है उसमें आप देखोगे कि अगर आप मंत्र जाप करते हो किसी माला से, तो एक बार किसी माला को पकड़ लिए ना तो माला को छोड़ना सही नहीं होता है। सुबह शाम उस माला से जाप करना होता है, कम से कम दिन में एक बार, कम से कम माला उपवासी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए एक माला क्या है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ वो आ जाता है, इसलिए मैं खुद किसी माला के ऊपर जाप नहीं करता भाई, किसी तरह का बॉन्डिंग बाइंडिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो खैर, तो बामा खैपा जी का क्या था, बामा इतना मैंने क्यों कहा, बामा खैपा जी के बात में आ रहे हैं। बामा खैपा जी का क्या था, वो किसी माला के ऊपर वो मंत्र जाप करते थे, तो जब उनका शरीर त्यागने का समय हुआ तो उनका जो मंत्र जाप का माला किसको दे के जाए, क्योंकि वो भी है उनका सिद्ध महात्मा, उनका एक सिद्ध माला। तो बाबा विशुद्धानंद जी को वो माला वो दे के गए थे, और बाबा विशुद्धानंद जी वो अपने लोगों को कहे भी कि आज वामदेव अपने शरीर छोड़े, तो शरीर छोड़ने से पहले उन्होंने मुझे याद किया। तो जो क्या है, उनका जो मंत्र जाप का माला वो मेरे पास वो छोड़ के गए हैं, देखते हैं अभी उसका क्या। तो फिर भक्त लोगों ने पूछा तो क्या होगा, तो उन्होंने बोला अभी देखते हैं, इसका कुछ व्यवस्था हमको करना है, देखते हैं। तो क्या है ना, जो सिद्ध महात्मा लोग हैं वो अंदर ही अंदर उन लोगों का नेटवर्क वो कनेक्टेड वो रहता है। जितना तक मुझे जानकारी है कि बाबा विशुद्धानंद जी और वामदेव आमने सामने शायद कभी नहीं मिले, इतना इतना मुझे पता है। अगर मिले होंगे वो अलग बात है, वो मुझे नहीं पता है, मेरे नॉलेज के अनुसार वो नहीं मिले थे कभी। पर वामदेव का कुछ कनेक्शन तो बिल्कुल था कि वामदेव का जो वो मंत्र जाप का माला था वो बाबा विशुद्धानंद जी को वो दे के गए थे। ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या है, दुर्गा बाबा, बाबा विशुद्धानंद जी का जो बड़ा लड़का है दुर्गा बाबा, वो बामा खापा के पास वो जाते थे, ये तय है, क्योंकि ये बात मैंने अपने गुरुजी के मुंह से सुना हुआ है कि दुर्गा बाबा वामदेव के पास जाते थे और दुर्गा बाबा कहते थे। तो जो वामदेव का क्या था, वो बीच बीच में वो नाद सिद्ध थे, नाद सिद्ध तो क्या होता था, वो बीच बीच में जय तारा करके वो कहते थे, और जब वो जय तारा करके कहते थे ना, माने आमने सामने जो लोग कहते थे हिल जाते थे, सूख जाता था अंदर, इतना इतना वो उतना वो दमदार उसका वो रहता था जब वो जय तारा कहते थे। तो दुर्गा बाबा जाते थे वामदेव के पास, वो जय तारा ध्वनि भी सुनते थे, और वो आके आश्रम में वो कहते थे कि वामदेव नाभ सिद्ध है और उसका कैसा, उसका जय तारा का जयकारा। ये दूसरा घटना। अभी ये छोटा छोटा घटना जो कनेक्शन से वही मैं बता रहा हूँ, अपने गुरु के मुख से सुना हुआ है। तीसरा घटना, तीसरा घटना क्या है, मेरा गुरु मतलब दुर्गा बाबा का जो लड़का, मेरा गुरु जेठू सरसी मोहन चैटर्जी जी, वो बचपन में
बामदेव का जो बामा खैपा कहते हैं, बामा खैपा का जो जो एकदम सिद्ध उसका शिष्य है उत्तरसरी, वो थे तारा खैपा। बामा खैपा जैसे प्रसिद्ध थे, तारा खैपा भी बहुत प्रसिद्ध थे। तो जेठू तारा खैपा के पास जाते थे, तो तारा खैपा के पास एक दो बार वो गए हैं। तो वो उसका वो वाक्य वो मुझे सुनाए थे। क्या हुआ, एक बार वो तारा खापा के पास गए तो कुछ बातचीत हो रहा था कि नहीं, तो एक इज्जत तो तारा खापा से वो तो मिलता ही है, क्योंकि मेरा जेठू भी वो बाबा विशुद्धानंद जी की उसका संतान है, तो बहुत सम्मान भी मिलता है, बातचीत हो रहा था ऐसा ऐसा करके। तो फिर थोड़ी देर बाद तारा खापा उनको देख के, जेठू को देख के कहे, अरे तुम्हारा देरी हो रहा है, अभी ट्रेन छूट जाएगा, तुम्हारा मम्मी बहुत बेचैन है, तुम्हारे लेके वो परेशान है, तो तुम जल्दी जल्दी चले जाओ। तो जेठू उधर रुक रहे थे, बोला नहीं, बिल्कुल मत बैठो, अभी अभी चले जाओ, अभी चले जाओ, ऐसा करके फिर जेठू को वो भगा दिए। बोला अभी जल्दी जल्दी घर चले जाओ, तुम्हारा माँ परेशान है। तो जेठू आए तो ऐसा वो सिद्ध महात्मा उनको उठा दिए वहां से। तो जेठू फिर वहां से वो आ गए और वापस फिर ट्रेन वेन पकड़ के घर आए, और देखा जो जेठू का जो मम्मी जी है निभानानी देवी, दुर्गा बाबा का पत्नी जी, तो वो पता नहीं क्यों वो उतना बहुत परेशान है, बहुत सोच रहे थे कि जेठू कहाँ गए हैं, कहाँ पे है। तो उस दिन वो कुछ और वरिड थे, बहुत परेशान थे, सोच रहे थे। तो जेठू ने कहा उनको कि तारा खापा के पास गए, और वो बात फिर आगे सामान्य हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि तारा खापा उधर बैठे बैठे समझ गए कि कुछ घटना हो गया है, कि जेठू का मम्मी माता जी वो वरिड है, और जल्दी जल्दी उनको घर भेज दिए। तो ये एक घटना था। और एक चौथा वाक्य मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। चौथा वाक्य जेठू ने जो कहा था, तो एक बार वो तारा खैपा के पास गए थे, और तारा खैपा अपने जो कुछ लोग हैं उनके साथ वो बैठे थे, कुछ सत्संग कर रहे थे। तो वहीं से कोई एक शिष्य तारा खैपा को पूछा कि बाबा जी मेरा ये समस्या है, तो आप देख लीजिए क्या करना है। तो बाबा जी बोले ठीक है, तो तुम्हारा ये समस्या है, क्या किया जाए, देखते हैं क्या करते हैं, क्या करा जा सकता है, ऐसा करके। तो उनका जो जो था शिष्य था भक्त था, उन्होंने बोला अरे नहीं, आप तो भाई सिद्ध महात्मा हो, आप अपने इष्ट को माँ तारा को निवेदन कीजिए कि वो मेरा वो काम करवा दे। तब तारा खैपा ने वो उत्तर दिए कि माँ को तो कह तो दू, पर माँ अभी मेरा बात नहीं सुनता। तो ये घटना, आई रिपीट, तारा खैपा जी उत्तर दे रहा है उनको, माँ को तो कह तो दू, पर अब माँ मेरा बात नहीं सुनता। तो इतना दुख, इतना दर्द, इतना हताशा लेके तारा खैपा जी उसका ऐसे उत्तर दिए, तो जेठू को वो बात बहुत चुभा था। तो जेठू भी मुझे जब वो बात कह रहे थे, तो बोला तारा खैपा जी बामा खैपा का शिष्य, एक प्रमुख शिष्य से वो उसका एक उसको बामा खैपा के बाद तारा खैपा का उनका नाम है, कि तारा खैपा जी जीवन भर गुरु का संग किया, साधना किया, सिद्ध महात्मा है, हर कोई जानते हैं। आज जीवन के एकदम आखिरी पड़ाव में आके कोई हताश होके कह रहा है, माँ को कह तो दू, पर माँ अब मेरा बात नहीं सुनता है। अभी कितना दिल टूटता है आप समझो। तो जेठू को मैंने बोला अभी ऐसा कैसे हुआ, इष्ट सिद्ध हो गया तो फिर इष्ट के साथ वो साधक का संपर्क रहता है, तो आगे आगे फिर इष्ट सहाय करता है उसको आगे बढ़ने के लिए, ये एक समझौता है, तो इसमें क्या है। तो जेठू कहे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ, तारा खैपा जी अपने जब जवानी में वो काफी उग्र मिजाज के थे, काफी उग्र होता है जो जिसका जो यंग एज में क्या है, खून गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्मी रहता है, और आदमी जितना जीवन में आगे संघर्ष उठाव पड़ाव के साथ जाता है, शांत हो जाता है, उसके फिर अंदर में एक मैच्योरिटी वो ग्रो करता है। पर तारा खैपा जी क्या थे, वो बहुत गर्म दिमाग के थे, उग्र स्वभाव के थे, एक वो कुठार लेके वो चलते थे, कुठार मतलब परशुराम जैसा एक कुठार लेके चलते थे, तारा खैपा भी ऐसा कुछ था।
तो क्या हुआ, उस गर्मी में तारा खैपा जी कभी कभी बामा खैपा जी उनके गुरु के साथ कभी कभी बदतमीजी जी से पेश आए थे, बदतमीजी किए। तो फिर बामा खैपा जी उनको कुछ नहीं किए, वो गुरु थे तो उन्होंने उसको माफी के उसमें वो देखा। पर तारा खैपा जी जे यंग ब्लड, उन्होंने कई बार बामा खैपा जी से बदतमीजी किए हैं। तो उस वजह से आप समझिए, गुरु भी ठीक, तारा खैपा जी साधना भी बहुत किए, इष्ट सिद्ध भी हो गया, सिद्ध साधक है, बहुत सम्मान है, पर गुरु को जो इतना नीचा दिखाए, उनको बेइज्जत किए, उसका फल देखिए कि आज जिंदगी के आखिर में आप उनको अफसोस से कह रहा है, माँ को कहे तो दू पर माँ मेरा बात नहीं सुनता है। तो ये बहुत बड़ी सीख है दोस्तों, कि मैं बस ये कहानी कहने के लिए आज का ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि पिछले का जो 2-3 घटना था वो तो मैं उन बाबा के जो भक्त है जो कमेंट किए थे उनके साथ बाद में मेरा फोन पे बात भी हुआ, उनको मैंने कह दिया कि ये घटनाएं हैं, पर आपको सही मैसेज मिले, ये चौथा वाक्य बताने के लिए आज का ये वीडियो बनाया। बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, इनको इन महत्व को समझिएगा, और फिर जीवन में फिर आध्यात्म के मार्ग में चलते रहिए। आपके साथ भी ऐसा कभी ना हो कि जिंदगी भर साधना किया और आखिर में आके बोले कुछ होता तो नहीं। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, आप लोग सब बहुत बहुत अच्छे रहिए, नमस्ते।